पश्चिम बंगाल में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी की बड़ी रैली हो रही है, जिसमें विपक्ष के करीब 20 बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। ममता बनर्जी ब्रिगेड मैदान में हो रही रैली में पहुंच गई हैं और मंच से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। ममता बनर्जी की इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तेजस्वी यादव और शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी भी इस रैली में साथ मौजूद रहेंगे। उन्नीस जनवरी कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड और ये वो मंच है जिसका यहाँ के लोगों को इंतजार था इतने दिनों से। ब्रिगेड समावेश के नाम से देखिए मंच पर लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत को प्रगतिशील, सशक्त और संयुक्त बनाने का संकल्प, ये है सामने मुद्दा जो तृणमूल सामने रखकर सारे जो विपक्ष के नेता हैं उनको यहाँ पर आज जमा किया गया है। तकरीबन सारे नेता हैं, बड़े नेता जो विपक्ष के यहाँ आज मौजूद होंगे। और दूसरी ओर ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड, ये कोलकाता का ऐतिहासिक मंच यहाँ जो है, ये ग्राउंड है जिस पर ये मंच बनाया गया है, जहाँ हमेशा जो है हजारों की तादाद में लोगों को जमा किया जा सकता है। और ये तृणमूल समर्थक देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, कल से ही यहाँ ये मौजूद हैं। प्रशासन की ओर से जो है यहाँ हजारों हजार की तादाद जो है अभी तक आंकी गई है, लेकिन तृणमूल का दावा है कि ये लाखों की तादाद में होंगे। गौरतलब बात आज ये रहेगी कि तृणमूल की अगुवाई में होने वाली इस सभा में जो महागठबंधन की बात हो रही है उस पर क्या सारे जो नेता हैं वो एक मत हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन उम्मीदवार है विपक्ष का, ये सारे मुद्दे आज सामने साफ हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ रक्षित के साथ मोहम्मद सफी शमसी, कोलकाता, न्यूज 18 इंडिया। लेकिन यही ममता बनर्जी की इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला किया है। आज ममता दीदी ने सारी नॉन बीजेपी पार्टीज को यहां पे बुलाया है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी का जो जोड़ी है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है और उनको हराना किसी भी हालत में देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ममता दीदी की इस पहल का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं गणित पे नहीं जाऊंगा, ममता बनर्जी बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि देश के बड़े बड़े हिस्सों से बीजेपी का सफाया निश्चित है। भारत को हम मजबूत करना चाहते हैं और जो वो ताकतें हैं जो धर्म में हमें बांटना चाहते हैं, हम उनको अलग खड़ा करना चाहते हैं। सफी शमसी हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, इसी मैदान में वो मौजूद हैं जहां ये रैली होने जा रही है। सफी, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं विपक्ष के जो पहुंच चुके हैं, और दरअसल कोलकाता में ही इस तरह की रैली करके क्या संदेश देने की कोशिश यहां से हो रही है? देखिए, जो बड़े नेताओं का नाम जो कल से सामने आ रहा है उसमें लगभग विपक्ष के सारे ही नाम सामने आ चुके हैं, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा अखिलेश यादव और जितने भी आप बड़े नाम गिन सकते हैं। इस वक्त जो महागठबंधन की बात हो रही है उसको सामने रखते हुए सारे लोग भी लगभग तकरीबन पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से जहां तक बात है, कांग्रेस से ना ही सोनिया गांधी ना ही राहुल गांधी, कांग्रेस के नेतृत्व से हालांकि दो नेता यहां मौजूद रहेंगे, सिंघवी और खाड़गे, लेकिन वो एक बड़ा मुद्दा है यहां पे कि कांग्रेस के साथ महागठबंधन में क्या कांग्रेस की स्थिति होगी। दूसरी बात, जो ये रैली यहाँ ममता बनर्जी कर रही हैं, इसका यहाँ कारण ये हो सकता है, देखिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो यहाँ वोटर है उसको दिखाने की ये कोशिश करेंगी कि देखो मेरी पकड़ यहाँ जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में है वो मेरी कैसी है, वो एक तरफ ममता बनर्जी दिखा रही हैं, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष में जो दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको ममता बनर्जी दिखाना चाहती हैं कि पॉलिटिकली वो कितनी एक स्ट्रॉन्ग जो है एक लीडर है और उनकी जगह क्यों महागठबंधन में महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे की ओर दिखाऊं, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता का, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता के मध्य में है, हजारों लोग यहां जमा हैं, हालांकि तृणमूल दावा कर रही है कि ये हजारों नहीं लाखों की संख्या होगी इसमें, और ये लोग कल से यहाँ मौजूद हैं। महागठबंधन की बात हो रही है, इसमें कांग्रेस का क्या स्थान होगा, हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो कांग्रेस नेतृत्व है
वो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ खुश नहीं है। उसमें अभी भी ऐसे नेता है, ज्यादातर नेता है, जो नहीं चाहते कि तृणमूल के साथ पार्टी किसी भी तरह मिलकर चले। तो यहाँ कांग्रेस को अपने बचाव की भी लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़नी है, साथ ही साथ भाजपा के साथ दोनों ही पार्टियां जो है विपक्ष में हैं, कांग्रेस और तृणमूल। तो महागठबंधन क्या रूप लेगा अभी आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। आज की रैली से इतनी बड़ी बात कह देना कि महागठबंधन हो गया, ये नाकाफी होगा। बिल्कुल सफी, तकरीबन 20 ऐसे दलों को इसी तरह से इस रैली में शामिल होने का न्योता ममता बनर्जी ने भेजा, ये खबरें हैं, लेकिन 11 के ही जुट पाए हैं। किस तरह का संदेश इससे जाता है? आखिर जो नहीं पहुंचे इस न्योते में भी उसकी क्या वजह आई? देखिए, इसमें जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो कुछ ना कुछ कारण दिखा रहे हैं, या कुछ थोड़े बहुत जो है उनके रीजनल फैक्टर्स हैं जिनके चलते वो नहीं दिखाना चाहते कि ममता बनर्जी के साथ वो यहाँ स्टेज पर मौजूद होंगे। हालांकि यहाँ पर जो इंतजाम किया गया है इसमें अगर आप देखें तो तकरीबन जो भारत की बड़ी पार्टियां हैं विपक्ष में इस तरफ जो बैठी हैं, यहाँ तक के जो अखिलेश यादव है वो स्वयं यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ये बात भी समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हर पार्टी, हर प्रांतिक पार्टी अपने प्रांत में लड़ रही है, और वो भी उसके लिए एक चैलेंज है ममता बनर्जी के साथ आकर या महागठबंधन में आकर के क्या लॉस एंड प्रॉफिट इसमें है पॉलिटिकली, वो सारे फैक्टर्स उन पार्टियों के सामने मौजूद हैं। लेकिन एक बात साफ है कि आज जितनी तादाद में नेताओं को यहाँ जमा किया गया है उसमें ममता बनर्जी ने अपनी जो कोशिश कई महीनों से की कि विपक्ष को एकजुट दिखाने की, अब एक और जो सवाल कि प्रधानमंत्री के लायक कैंडिडेट विपक्ष के पास है या नहीं है, क्या वो ममता बनर्जी है या चंद्रबाबू नायडू है। ममता बनर्जी ने स्वयं कहा है कि हर पार्टी अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन यहाँ अगुवाई इस समय ममता बनर्जी कर रही है। आज ममता बनर्जी का दिन है, तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में दिन है, ये बात साफ है। जी, लगातार आपसे अपडेट्स लेंगे, और तकरीबन 12 दल का समर्थन और साथ इस मंच पर वो दिखाई देंगे जो तकरीबन 114 लोकसभा की सीटों पर सीधे दावा रखते हैं। देखना यह है किस तरह का संदेश और दिया जाता है इस मंच से। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। सफी, फिलहाल शुक्रिया।